नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 21 मार्च। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। डीएलएसए वैशाली ने निकाली रिक्तियां। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वैशाली बिहार ने पारा लीगल वॉलंटियर पद के लिए 100 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सभी अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 मार्च तक districts.ecourse.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे बद्री नारायण सिन्हा की। बद्री नारायण सिंह का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। प्रसिद्ध पत्रकार अरविंद एन दास द्वारा सिन्हा को जानकार पुलिस प्रमुख के रूप में वर्णित किया गया था, जो कवि, आलोचक, पत्रकार और जयप्रकाश नारायण के करीबी सहयोगी थे। वह एक विचारक, साहित्यिक, कवि, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। बिहार में घटाई गई बिजली दर। इस चुनावी साल में बिहार सरकार ने बिजली की दरों को घटाने का फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार में अब आने वाले 1 अप्रैल से बिजली की दरें कम हो जाएंगी, जिसके तहत अब घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट कम देना होगा। इसके साथ ही अब बिजली उपभोक्ताओं को मीटर रेंट भी नहीं देना होगा। बिहार की अंशु ने बढ़ाया बिहार का मान। बिहार की बेटी अंशु ने असंभव को संभव कर दिखाया है, जिससे कि अंशु ने न सिर्फ बिहार का मान बढ़ाया है बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम भी रोशन किया है। खबरों की माने तो अंशु ने सूर्य के रहस्य को सुलझाने वाले डिवाइस का आविष्कार कर दिया है, जिसका नाम रेडियो स्पेक्ट्रा पॉलीमीटर है। इस डिवाइस की मदद से धरती के तापमान और मौसम का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जल जीवन हरियाली योजना पर सांसद ललन सिंह ने की चर्चा। लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह ने हाल ही में जल स्तर के नीचे आने की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल जीवन हरियाली की योजना पर विस्तृत चर्चा की है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली योजना की तारीफ करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर सराहना की है। कोरोना की जानकारी जानने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया नंबर। कोरोना के फैलते लक्षण को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसकी मदद से आम नागरिक अब चाहे तब कोरोना से संबंधित किसी भी जानकारी को ले सकते हैं। सरकार द्वारा जारी किया गया नंबर कुछ इस प्रकार है, 9013151515। एक बार फिर से सुन ले, 9013151515। बिहार सचिवालय में जाने से पहले आपको करना होगा यह काम, तभी मिलेगी एंट्री। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने अहम ऐलान किया है। इतना ही नहीं, अब तो बिहार सचिवालय में जाने वालों के लिए भी सरकार ने अहम दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को सचिवालय के अंदर जाने से पहले हैंड सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ रहा है। कोरोना को लेकर राजगीर के गर्मकुंड को किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने राजगीर के गर्मकुंड को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी राजगीर के एसडीओ ने खुद निर्देश जारी करते हुए दी है। वहीं कुंड के दोबारा खुलने की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मार्च के बाद जैसी स्थिति देखी जाएगी, सरकार उस अनुसार फैसला लेगी। लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया पर लगाई गई रोक। बिहार के सभी परिवहन कार्यालयों में 31 मार्च तक के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। खबरों की माने तो परिवहन कार्यालय का यह फैसला कोरोना के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। कोरोना की वजह से लोग सोच समझ कर घर से बाहर जा रहे हैं, ऐसे में कार्यालय के सामने भारी संख्या में लोगों के आने से कोरोना की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। मुजफ्फरपुर के रामन देवी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मां दुर्गा को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1941 में मां दुर्गा के बड़े भक्त एवं स्थानीय व्यापारी श्री बाबू ने करवाया था। यह मंदिर बहुत कम समय में ही जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में शुमार हो गया था और अब भी बना हुआ है। यह मंदिर अपनी सुंदर कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। बिहार भाजपा के नए टीम की हुई घोषणा। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं बिहार भाजपा ने भी अपनी तैयारियों को पूरा करते हुए बिहार भाजपा की टीम का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत भाजपा ने बिहार की कमान कुल 12 लोगों को सौंपी है। इसके साथ ही 12 लोगों को उपाध्यक्ष भी बनाया है, जिसमें अजय कुमार निषाद, ओम प्रकाश यादव, राजेंद्र सिंह समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। कोरोना के कारण गांधी मैदान हुआ बंद। कोरोना के फैलते असर को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना के गांधी मैदान को बंद कर दिया गया है, जिससे कि अब आम नागरिक सुबह सुबह की सैर नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गांधी मैदान को बंद रहने की जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगले आदेश तक मैदान को इसी तरह बंद रखा जाएगा।
प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अब कोरोना के जांच के लिए गाइडलाइन की गई जारी। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अब बिहार सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों के बाद प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना की जांच की सुविधा मुहैया करवाए जाने की बात कही है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना की वजह से पटना से गुजरने वाली 14 ट्रेनें हुई कैंसिल। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए और गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना से गुजरने वाली लगभग 14 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। खबरों की माने तो रेलवे विभाग का यह फैसला आने वाली 31 तारीख तक जारी रहेगा। ज्ञात हो कैंसिल की गई ट्रेन में चंपारण हमसफर, इंटरसिटी पटना कटिहार, सुविधा एक्सप्रेस आदि ट्रेनों का नाम शामिल है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे 15 सवाल। बिहार विधानसभा के चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, वहीं कोरोना की वजह से बिहार के नेताओं ने बाहर आने से अपने आप को रोक रखा है, मगर सोशल मीडिया पर राजनीति जारी है, जिसके तहत विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर टिप्पणी करते हुए सरकार से 15 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए 15 सवालों के जवाब मांगे हैं। बिहार के इन दो खिलाड़ियों ने बढ़ाया बिहार का मान। पहले रणजी सत्र में बिहार के कप्तान आशुतोष अमन ने बिशन सिंह बेदी के 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वहीं इस बार बीसीसीआई के जूनियर टूर्नामेंट में सचिन कुमार सिंह और तेजस्वी ने दूसरा स्थान हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। ज्ञात हो कर्नल सी के नायडू टूर्नामेंट और पुरुष अंडर 23 वनडे टूर्नामेंट में बिहार के कप्तान सचिन ने बेहतर पारी खेली थी, जिसके तहत पूरे सत्र में उन्होंने 80 विकेट लिए थे। कोरोना के कारण ऑफर देने के बावजूद नहीं पहुंच रहे ग्राहक। कोरोना का असर अब बाजारों में भी साफ देखने को मिल रहा है। काम बंद होने के कारण शेयर बाजार लगातार नीचे गिरता जा रहा है, वहीं सोने चांदी की कीमत भी लगातार गिरती जा रही है। इतना ही नहीं, ग्राहकों को लुभाने के लिए कई दुकानदारों ने 20-50% की छूट दे रखी है, बावजूद इसके कोई भी ग्राहक सामान लेने नहीं जा रहा है। मुकेश सहनी ने मांझी को लेकर दिया बड़ा बयान। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने हम प्रमुख जीतन राम मांझी को लेकर बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर दबाव की राजनीति करने में जुटे हुए हैं। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि हमारी पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं है, बल्कि महागठबंधन के साथ है। कोरोना के बहाने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से निपटने के लिए सबके सहयोग की मांग कर रहे, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री कोरोना के नाम पर राजनीतिक टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करते हुए यह कहा है कि जहां एक तरफ सरकार कोरोना से निपटने का काम कर रही है, वहीं विपक्षी दल अभी भी सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान देखने में लगे हुए हैं। 18 अप्रैल को जनसभा करेंगे जा प्रमुख पप्पू। जहां एक तरफ कोरोना ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव 18 अप्रैल को जनसभा करने का ऐलान कर चुके हैं, जहां वो अपनी 30 वर्ष की क्या लाजारी अधिकार मांगे हर बिहारी स्लोगन के साथ अपनी इस यात्रा को शुरू करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी यह यात्रा बिहार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए होगी। पटना महावीर मंदिर ने कोरोना को देखते हुए जारी किया अहम आदेश। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल से लेकर मंदिरों तक को बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं इसी बीच पटना के महावीर मंदिर की तरफ से कोरोना के बढ़ते असर के बीच अहम आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा, मगर घंटी की आवाज अब लोगों को सुनाई नहीं देगी। कोरोना के बढ़ते असर के बीच कार्तिक आर्यन का वीडियो कर रहा है ट्रेंड। बॉलीवुड के न्यू कमर कार्तिक आर्यन ने अब तक कई फिल्मों में उम्दा एक्टिंग की है। इतना ही नहीं, उनके फिल्म के डायलॉग्स भी काफी ज्यादा मशहूर हो ही जाते हैं। वहीं अब कार्तिक आर्यन का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कार्तिक आर्यन लोगों से कोरोना से बचकर रहने की सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को भी इस वीडियो से बताने की कोशिश की है। व्हाट्सएप ने सभी यूजर्स से रिमोटली कनेक्ट रहने का दिया सुझाव। कोरोना को देखकर दुनिया भर में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप भी इस रेस में पीछे नहीं है। इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक डेडिकेटेड वेब पेज लाइव किया है। इस पेज पर यह जानकारी दी गई है कि दुनिया भर में कोरोना जैसी स्थिति में इस ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस वेब पेज को हेल्थ वर्क्स, एजुकेटर्स, कम्युनिटी लीडर्स को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बीसीसीआई को अचानक आई धोनी की याद। मैदान से बाहर चल रहे महेंद्र सिंह धोनी को अक्सर क्रिकेट प्रेमी याद करते रहते हैं, मगर बीसीसीआई को अब जाकर उनकी याद आई है। धोनी की वापसी को लेकर मौन रह रही बीसीसीआई ने हाल ही में अपने आधिकारिक वेबसाइट से धोनी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रही है। शेयर की गई तस्वीर में धोनी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीसीसीआई ने इसके कैप्शन में लिखा था कि स्माइल ही एक तरीका है। जानकारों की माने तो बीसीसीआई का यह पोस्ट कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए किया गया है।
अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप रहेगी। वहीं कहीं कहीं हवा के चलने की वजह से मौसम में ठंडक महसूस हो सकती है। इसके साथ ही अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने की संभावनाएं हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स से हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है विकी कुमार, प्रिंस कुमार, सागर कुमार यादव, सोनू कुमार, राजेश कुमार, रवि कुमार, अनुज बाबू, सोनेलाल शर्मा, सरोज पैठा, प्रवीण कुमार, संदीप कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, प्रधानमंत्री मोदी के 22 मार्च को अपने आप को घर में बंद करने के फैसले से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।